तो भाई आज की बिल्कुल लेटेस्ट क्लिप, इस वाली क्लिप में आप देख सकते हो गॉडलाइक का क्या ही डोमिनेशन था इस वाले मैच में। लेकिन इस वाले मैच में आप उनकी टीम का डोमिनेशन बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। मुझे लगता है गॉडलाइक आराम से आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। 4v1 की फाइट, इट्स नॉट सो इजी। आगे की तरफ काफी सारे स्मोक फेंके जाएंगे। चलिए एस्कोबर वेल वो लीड करेंगे, क्या ऊपर जाएंगे जी नहीं। अभी के लिए उनके पास जितने भी ग्रेनेड रहने वाले, ट्राई लगातार जारी और एक सही ठिकाने पे ग्रेनेड। MS12 का करियर खत्म। जोनाथन को नॉक किया, पीछे से कवर काफी बढ़िया आया जिसके चलते जोनाथन को फिनिश नहीं होने दिया एस्कोबर के द्वारा। एंड चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है न्यू के द्वारा। न्यू खुद ही नॉक हो जाएंगे गिर के, बाकी प्लेयर्स काफी क्लोज आ चुके हैं। चलिए डी वॉट की एचपी काफी कम की गई, डीओडी के फाइट देखने के लिए मिलने वाले हैं। जोनाथन ट्राई करेंगे, हाथ में डीवीएस रहेगी, दूसरे हाथ में भी एक प्यारी सी गन है, न्यू को कंफर्म किया जाएगा। आई डोंट नो क्या न्यू फिर से दोबारा से गाड़ी से गिर के नॉक हो गए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट वाले मैच में भी यही न्यू ने किया था और इस वाले मैच में भी नियो ने किया। क्या वो डीवॉट थे नियो, तो आई डोंट नो। बट यहां पे एक प्यारा सा टेक डाउन यहां पे जोनाथन की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। चलिए फाइनली उनको कंफर्म किया जाएगा एस्कोबर के हाथ में, उनकी दोनों ही फेवरेट गन रहने वाली है। बट डीओडी क्या वो बंदी हो सकते हैं, एस्कोबर ट्राई करेंगे, एक सही ठिकाने पे ग्रेनेड जाके हिट करेगा और एक नॉक अभी के लिए मिलेगा एस्कोबर। 1v1 की नीट एंड क्लीन फाइट, क्या वो निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे निकालते हैं तो चलिए आई थिंक यहाँ पे निकाल दिया है क्या जी नहीं। अभी के लिए यहाँ पे डीओडी के जो अपने सोपी है वो ट्राई करें अपने आपको फर्स्ट एड से बूस्ट कर पाए। चलिए यहाँ पे क्या जंप आउट करेंगे, क्या निकल के आगे की तरफ जाएंगे एस्कोबर का वो ग्रेनेड जिससे भालू फाइनली कंफर्म किया जाएंगे। 11 फिनिश निकाल के डीओडी भी खेलने वाले, एक प्यारा सा ग्रेनेड जाएगा एस्कोबर को। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10% उनकी एचपी, लिटिल बिट एचपी उनकी यू नो कम की जाएगी। उन्होंने आके जोनाथन को नॉक किया। चलिए देखते हैं क्या ये ग्रेनेड सही ठिकाने पे जाने वाला है, बिकॉज एस्कोबर के ग्रेनेड काफी सही ठिकाने पे जाते हैं। चलिए जाएगा भी और जाके हिट करेगा भी और 1v3 है आई थिंक। यहाँ पे व्हीकल लेकिन वो चलाए जा रहे थे, इंतजार करें कि मौका मिले जहाँ पे वो अपने व्हीकल को स्टे कर पाए। बट यहाँ पे नियो की क्या वो गलती, टीम गॉडलाइक को इस गेम से बाहर लेके जा सकती है। चलिए यहाँ पे एस्कोबर उठेंगे, आपने डीवीएस करने वाली एक खिलाड़ी को, दो खिलाड़ी को कंफर्म, फाइनली गेम से एलिमिनेट किए जाएंगे एस्कोबर के अगर हाथ में डीवीएस। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।